भारत रूस की दोस्ती फिर बुरी नजर वालों की आंख को खटकी। तमाम कोशिशों के बाद भी जब नहीं बिगड़े भारत रूस के संबंध, तो छलक पड़ा यूक्रेनी विदेश मंत्री का दर्द। भारत के विदेश मंत्री के बार बार समझाने, हकीकत और आंकड़े बताने के बाद भी आंख पर पट्टी पहने बैठा है यूक्रेन। बातों ही बातों में तेल को लेकर कस दिया भारत पर तंज। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूस से तेल के कारोबार को लेकर भारत पर तीखा तंज कसा। दिमित्री कुलेबा ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल इसलिए खरीद पा रहा है क्योंकि यूक्रेन भुगत रहा है। उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीदने को नैतिक रूप से अनुचित बताया। यहाँ कितनी आसानी से यूक्रेन ने भारत को हो रहे तेल फायदे का क्रेडिट खुद पर ले लिया और इतना गहरा तंज कस दिया, वो भी तब जब भारत बार बार वैश्विक मंचों पर युद्ध की घोर निंदा करता आया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने एक विशेष बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया। कुलेबा ने कहा कि भारत के लिए सस्ते दाम पर रूसी तेल खरीदने का अवसर इस तथ्य से आता है कि यूक्रेनियन रूसी आक्रामकता से पीड़ित है और हर दिन मर रहे हैं। कुलेबा ने कहा कि अगर आपको हमारे कष्टों के कारण फायदा होता है तो ये अच्छा होगा कि भारत ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की मदद करे। दरअसल दिमित्री कुलेबा भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल फरवरी और नवंबर के महीनों के बीच यूरोपीय संघ के देशों की तुलना में रूस से ज्यादा तेल और गैस का आयात हुआ है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, यूरोपीय संघ पर उंगली उठाना और ये कहना काफी नहीं होगा कि वो भी तो यही काम कर रहे हैं। कुलेबा के अनुसार सस्ते रूसी तेल आयात करने के भारत के फैसले को यूक्रेन में मानवीय पीड़ा के चश्मे से देखा जाना चाहिए। ये भी अजीब बात है कि पश्चिम की मदद पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका यूक्रेन इस समय कठपुतली सा प्रतीत हो रहा है। जिस पश्चिम के साथ की उम्मीद से ये जंग छिड़ी, वो पश्चिम खुद अब तक रूस को बर्बाद करने में नाकामयाब रहा है। हाल ही में जो प्राइस कैप भी G7 ने रूस पर लगाया, उसका भी कुछ खास असर रूस पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूक्रेन पश्चिम के भरोसे दम भर रहा है। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री यहां ये भूल गए कि इस वक्त भारत ही वो देश है जिसके रुख की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। भारत एकमात्र वो देश है जिसने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से रूस और यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।